कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी, इसको ब्लैक इकोनॉमी भी बोलते हैं या फेमसली इकोनॉमिक्स में पैरेलल इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज, तो मैं एक दुकान में गए कंप्यूटर खरीदने, 20,000 का एक कंप्यूटर खरीदा, तुमने कैश दिया, उसने बिल नहीं दिया, तो ये 20,000 उसको जो मिला वो क्या हो जाएगा? ब्लैक, क्योंकि उसमें उसने टैक्स भरा ही नहीं है, टैक्स इवेडेड इनकम। कुछ लोग करप्शन के थ्रू, रिश्वत के थ्रू, ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू जो ब्लैक में कमाते हैं, जो बोलते हैं ना, जिसमें इनकम टैक्स भरा हुआ नहीं है, उसको ब्लैक मनी बोलते हैं। नाउ मैं तुमको एक एग्जांपल दूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे और रिसर्च था कि जो अपना देश का जीडीपी है उसका 2-3 गुना ब्लैक मनी में रहता है, और 3 ट्रिलियन मतलब करीबन 210 लाख करोड़ के आसपास ब्लैक अपने देश में मौजूद है। और ऐसा कहा जाता है जो लोग कैश में डील करते हैं वो लोग करीबन 9% ऑफ देयर इनकम वो ब्लैक में रख देते हैं। सो कई बार डिमोनेटाइजेशन के बाद 4,300 करोड़ बेनामी ट्रांजेक्शन में मिला, रियल एस्टेट में मिला, ठीक है ना? ये सब जगह कहाँ कहाँ रखते हैं लोग? कैश में रखते हैं, बेनामी ट्रांजेक्शन में रखते हैं, गोल्ड में रखते हैं। 2 लाख के ऊपर पैन नंबर तुमको देना पड़ता है। तो अलग अलग जगह पे लोग ब्लैक में रखते हैं पैसा। सो इन सिंपल लैंग्वेज, ब्लैक मनी एक ऐसा पैसा है जिसको तुमने गवर्नमेंट को दिखाया नहीं है, इनकम टैक्स भरा नहीं है, ऑन पेपर तुमने अवॉइड किया है, या तो कैश के रूप में या रियल एस्टेट के रूप में या गोल्ड के रूप में। इसलिए जब पकड़े जाते हैं ना कोई कि घर पे 5 करोड़ 10 करोड़ मिला, और सी तुम्हारे घर पे 10 करोड़ मिला वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 करोड़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश है क्या? है तो वो व्हाइट माना जाएगा, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है तो ब्लैक माना जाएगा, और उस पर टैक्स 100% है, पूरा 10 करोड़ टैक्स में चला जाएगा, मतलब जितना जब्त किया पूरा गवर्नमेंट रख लेगा। पर आजकल तो क्या ब्लैक पैसा मिल रहा है, बीच में एक जगह रेट डाला था और टैक्स कितना मिला था गवर्नमेंट को, काउंट करने को 15 घंटा लगा था मशीन्स को, जो लोग अपॉइंट किए थे काउंट करने के लिए। सो ब्लैक मनी आज के तारीख में 2 से 3 गुना जीडीपी है, और जितना आधार कार्ड और ये सब अभी जैसे आ रहा है तो देखा जा रहा है कि जो 4 करोड़ लोग ही भारत में टैक्स भरते थे, एग्रीकल्चर पे टैक्स माफ है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, अभी 8 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, तो गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिल रहा है, मतलब ब्लैक से व्हाइट ज्यादा हो रहा है, ब्लैक ट्रांजेक्शन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हर जगह आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, बैंक पैन कार्ड दिखाना पड़ता है, इसके से ब्लैक मनी देश में कम हुआ है। ओके, सो ये खत्म होता है।